हेलो सी व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप लोग? होप करता हूं सब गाइस आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं हसल की। हसल शो तो आप लोगों को पता ही होगा, इंडिया का फर्स्ट हिप हॉप रैपिंग शो है जिसके अंदर प्रॉपर हिप हॉप होता है सीजन 2 तक। नहीं, मजाक। अपने हसल 1 में जस्ट थे अपने रफ्तार पाजी और हसल 2 से अपने आगे बादशाह पाजी। और अगर आप लोगों ने हसल 3 देखा तो आप लोगों को पता होगा कि इनके जितने भी कॉन्टेस्टेंट थे हसल 3 के, उनमें से एक का भी गाना नहीं आया अभी तक, एक का भी गाना नहीं आया हसल 3 के बाद। अब आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों भाई एक भी गाना नहीं आया? उदय की इतनी ज्यादा हाइप थी भाई उस समय, अगर वो गाना निकालता तो उसको अच्छे खासे फॉलोइंग्स मिल जाते, लोगों को उसके जितने फैंस है उसको अपने गाने सुनने को मिल जाते। इवन मेरे को भी इच्छा थी उदय के गाने सुनने की, एक अपने घोष भाई उनके भी गाने की सुनने की इच्छा थी, और एक अपना बेसिक भाई है उनके भी गाने की सुनने की इच्छा थी मेरी, बट लेकिन एक के भी गाने नहीं आए, विच इज सो सैड। तो आप लोगों को पता है ऐसा क्यों हुआ, एक के भी गाने क्यों नहीं आए? आप लोगों को पता है ऐसा तो है नहीं कि वो लोग चाहते नहीं है, क्योंकि उन लोग भी अवेयर है उनके बारे में कि उन लोग के गाने नहीं आ रहे, और अगर गाने डालेंगे तो हसल के बाद जैसे डालेंगे वैसे वो हाइप्ड अप होंगे। जैसे हसल 2 में हुआ था, हसल 1 में हुआ था, जैसे अपने हसल 1 के किंग भाई एग्जांपल है, बेला भाई एग्जांपल है, और हसल 2 के अपने पैराडॉक्स भाई एग्जांपल है। ऐसे ये सब भी बड़े हो सकते थे, पर लेकिन इनका एक भी गाना नहीं आया। आपको पता है क्यों? कॉन्ट्रैक्ट इज द रीजन। हसल 3 का जो कॉन्ट्रैक्ट है वही रीजन है। तो आइए अपन गहराई से समझते इस बात को, पर उससे पहले प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दो यार, क्योंकि अपन ऐसी डेली वीडियोस लाते रहते हैं भाई। और आइए चलिए पता करते हैं ऐसा क्यों है और क्या है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। ऑलराइट गाइस, अपन आगे स्क्रीन के अंदर जैसे कि आप लोग देख सकते हो, अपन देखने वाले आज रैप बॉट की नई वीडियो जिसका नाम है हसल 3 कॉन्ट्रैक्ट वाज अ ट्रैप एक्सपोज्ड। इसमें रैप बॉट ने हसल 3 को एक्सपोज करा है, और जो अपने GD47 है जो कि हसल 2 के कंटेस्टेंट है, उन्होंने भी बोला कि रैप बॉट है वो एक्सपोज कर रहा। तो चलिए अपन देखते हैं अली साथ में वीडियो, और उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना भाई मेरे, और चलिए अपन देखते हैं अली वीडियो को। लोगों ने ये नोटिस किया है MTV हसल सीजन 3 को खत्म हुए अप्रॉक्स 4 महीने हो गए हैं, एंड मोस्ट ऑफ द हसल 3 कंटेस्टेंट्स आर नॉट ड्रॉपिंग सॉन्ग्स। इजंट इट वियर्ड? कुछ रैपर्स को छोड़ करके जिनके गाने हमें दूसरे रिकॉर्ड लेबल से देखने को मिले हैं, आर्टिस्ट अपने चैनल से या फिर इंडिपेंडेंटली गाने ड्रॉप ही नहीं कर रहे। ये चेक करो, रैप आईडी का लास्ट गाना 9 महीने पहले आया था, गौश का लास्ट ट्रैक हमें 1 साल पहले देखने को मिला था, रिसेंटली हमें कुछ गाने गौश के दूसरे रिकॉर्ड लेबल से देखने को मिले, और मे बी ये पॉसिबिलिटी है कि ये गाने एमटीवी हसल के कॉन्ट्रैक्ट के पहले रिकॉर्ड हुए होंगे। विजय दादा ने अपना लास्ट ट्रैक 9 महीने पहले ड्रॉप किया था। सिन भी इज द ओनली रैपर जिन्होंने रिसेंटली अपना एक सिंगल ड्रॉप किया है, पर सिन भी का ये इंस्टाग्राम लाइव चेक करो। देखो जितने मेरे बाकी भाई हैं जो कंटेस्टेंट्स थे वो भी नहीं निकाल पा रहे हैं गाने इमीडिएटली, तो कुछ ना कुछ तो सीन रहा होगा, बस समझ जाओ। केडन शर्मा जो कि पिछले सीजन के वायरल रैपर थे, इनका भी लास्ट ट्रैक 1 साल पहले ड्रॉप हुआ था, और रिसेंटली इनका भी हमें कोई भी गाना देखने को नहीं मिला है। बादल, मृणाल शंकर, लास्ट सीजन के विनर उदय, बुर्रा, इन सारे रैपर्स की भी सेम कहानी है। सो एमटीवी हसल में रैपर्स सिर्फ ट्रॉफी जीतने के लिए नहीं जाते हैं। तुम लोगों को मैं ये एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। सो अगर तुम लोगों ने शार्क टैंक देखा है जहाँ पे स्टार्टअप या फिर ब्रांड्स को फंडिंग मिलती है, तो क्या स्टार्टअप्स या फिर नए ब्रांड्स वहाँ पे सिर्फ फंडिंग के लिए जाते हैं? बिल्कुल भी नहीं, प्रमोशन के लिए जाते हैं मेरे भाई, प्रमोशन के लिए जाते हैं वो। उनको बस एक बार टीवी तक देखना है, लोगों को पता चल जाए मेरा प्रोडक्ट क्या, फिर वो प्रोडक्ट वो लोग खुद ही डिस्कवर कर लेंगे, अच्छा होगा तो चलेगा, नहीं होगा तो नहीं चलेगा। तो ऐसा ही असल में भी सेम चीज होती है भाई मेरे। ब्रांड्स का वहां पे जाने का मेन एम होता है प्रमोशन एंड मार्केटिंग, और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है कि शार्क टैंक में जाने के बाद ब्रांड्स की जो सेल है वो बूस्ट हुई है, एंड सेम गोज विद एमटीवी हसल एज वेल। आफ्टर गेटिंग आउट फ्रॉम एमटीवी हसल, आर्टिस्ट ये एक्सपेक्ट करता है कि उसके करियर में उसे राइज देखने को मिलेगी या फिर आर्टिस्ट का ग्रोथ होगा, पर ये तब होगा ना जब आर्टिस्ट का काम सीजन खत्म होने के बाद बाहर आएगा। पर एमटीवी हसल की कॉन्ट्रैक्ट आर्टिस्ट को ऐसा करने ही नहीं दे रही है। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस हाउ एमटीवी हसल इज अ ट्रैप जो कि आर्टिस्ट के करियर को बूस्ट करने के बजाय आर्टिस्ट के करियर को डेड बनाती है। सो ये रहा एमटीवी हसल के लास्ट सीजन का कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट 10 पेज का है, थोड़ा लंबा है। अगर तुम पूरा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना चाहते हो तो तुम पॉज करके कॉन्ट्रैक्ट को रीड कर सकते हो। आई वांट टू गिव क्रेडिट टू दिस रेडिट यूजर जिन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट को रेडिट में पोस्ट किया था। उस समय तो मैंने इस पोस्ट को इग्नोर कर दिया था, पर धीरे धीरे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया भाई, एमटीवी हसल सीजन 3 के आर्टिस्ट के गाने ही नहीं आ रहे थे, तब मुझे रियलाइज हुआ कि सिचुएशन कितनी बुरी है, और किसी को तो इसके बारे में बात करना पड़ेगा, इस चीज को, इस टॉपिक को मेन स्ट्रीम में लाना होगा। सो
हियर वी गो। सो मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को समराइज करने की कोशिश करता हूं जिससे तुम्हें आइडिया मिल जाए कि इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट में एक्चुअली लिखा क्या है। सो कॉन्ट्रैक्ट के स्टार्टिंग में ये मेंशन किया हुआ है कि कोई भी आर्टिस्ट जब परफॉर्म करेगा एमटीवी हसल में तो उनके लिरिक्स को डॉक्टर्ड किया जाएगा, उनके लिरिक्स को चेक किया जाएगा परफॉर्मेंस के पहले कि तुम्हारी लिरिक्स क्या है, तुमने क्या रेफरेंसेस यूज किए हैं, कहीं वो कॉन्ट्रोवर्शियल तो नहीं है। सो मेरे हिसाब से ये वैलिड पॉइंट है। एमटीवी हसल एक ऐसा रियलिटी शो है जहां पे आर्टिस्ट खुद की लिरिक्स लिखते हैं, उनका कंपोजिशन खुद का होता है, तो ये चीजें वैलिडेट होनी चाहिए। सो इस पॉइंट के साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके आगे कॉन्ट्रैक्ट ये बोलती है कि वायाकॉम जो है वो आर्टिस्ट के गाने को ओन करेगी फॉर वन ईयर, लाइक जब भी फिनाले खत्म होगा उसके एक साल तक आर्टिस्ट ने जो भी गाना परफॉर्म किया है, लाइक एमटीवी हसल पे जितने भी गाने परफॉर्म हुए हैं उसकी राइट्स, उसकी ओनरशिप जो है वो वायाकॉम के पास रहेगी। और ये जो क्लॉज है ना, ये बहुत ही स्मार्ट क्लॉज है। लाइक तुम ये सोच के देखो कि किसी भी आर्टिस्ट का गाना अगर बूम होना होगा तो वो एक साल के अंदर ही बूम हो जाएगा, वायरल हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल सीजन 2 में पैराडॉक्स का गाना बगड़ बम जब सीजन एयर हुआ था उस टाइम पे ये गाना उतना ज्यादा वायरल नहीं हुआ था, बट उसके बाद ये गाना वायरल हुआ। सो ये जो क्लॉज है ना वो इस सिचुएशन का पूरी तरह से एडवांटेज उठा सकती है। लाइक अगर कोई गाना एक साल के अंदर वायरल होता है तो बहुत ज्यादा चांस है कि कोई बड़ी म्यूजिक लेवल अप्रोच करेगी, कोई बॉलीवुड मूवी हो सकता है या फिर कोई बड़ा प्रोजेक्ट अप्रोच करेगा उस गाने को बाय करने के लिए। और जब ऐसा होगा एक साल के अंदर तो उस गाने का जो प्रॉफिट है वो वायाकॉम लेके चल जाएगा, आर्टिस्ट को यहाँ पे इसका एडवांटेज नहीं हो पाएगा। इसके बाद जब तुम कॉन्ट्रैक्ट में आगे बढ़ोगे तो तुम्हें ये नजर आएगा कि सुपर कैसल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड जो कि ओन करती है एमटीवी हसल को, कोई भी आर्टिस्ट, कोई भी कंटेस्टेंट जो एमटीवी हसल का पार्ट होता है उसको एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट साइन करना पड़ता है दैट बाउंड्स द कंटेस्टेंट फॉर 2 years। फर्क नहीं पड़ता है वो जीते या फिर हारे, ये डॉक्यूमेंट कंटेस्टेंट को साइन करना पड़ेगा। और शायद हो सकता है कि इसी रीजन या फिर इसी बॉन्ड की वजह से जो कंटेस्टेंट है एमटीवी हसल सीजन 3 के वो शायद गाने नहीं ड्रॉप कर पा रहे। चलते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट में आगे, तुम्हें चीजें और अच्छे से समझ में आएगी। इसके आगे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है एंड दिस इज रियली इंटरेस्टिंग, MTV हसल के बाद अगर किसी भी कंटेस्टेंट को अपना म्यूजिक रिलीज करना है, ठीक है, तो वो MTV हसल के टीम से पूछे बिना या फिर मैनेजमेंट से पूछे बिना रिलीज नहीं कर सकती है। अगर उन्हें रिलीज करना है तो उन्हें टीम का परमिशन लेना पड़ेगा। और सिर्फ इंडिपेंडेंट म्यूजिक रिलीज नहीं, वो कोलैबोरेशन भी नहीं कर सकते हैं। और अगर कोई कंटेस्टेंट कोई म्यूजिक या फिर गाना रिलीज करना चाहता है और उसे अप्रूवल भी मिल जाता है टीम से, तो उस ट्रैक का 15% रेवेन्यू जो है वो एमटीवी हसल को जाएगा या फिर जो उसे ओन करती है पैरेंट कंपनी उसे जाएगा। मतलब तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो कि हसल खत्म होने के बाद भी आर्टिस्ट जो प्रॉफिट बना रहा है, आर्टिस्ट जो अपना म्यूजिक सेल कर रहा है, उसका प्रॉफिट इन लोगों को जा रहा है। मतलब यहाँ पे मैं समझ सकता हूँ कि इन लोगों ने आर्टिस्ट को प्लेटफॉर्म दिया है बट आर्टिस्ट ने भी बदले में आपको रिटर्न किया है। लाइक अगर शो हिट होता है तो वहां पे आप अर्न कर सकते हो, बट एक साल दो साल तक आर्टिस्ट के म्यूजिक से प्रॉफिट खींचना, प्रॉफिट सक करना, ये सेंस नहीं बनाता। इसके साथ साथ ये भी मेंशन किया हुआ है कि आर्टिस्ट को कोई भी मैनेजर या फिर कोई भी टूर और ब्रांड मैनेजर नहीं दिया जाएगा इनके साइड से। इसके साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट में ये जरूर लिखा हुआ है कि अगर गाना रिजेक्ट हो जाता है, जब एमटीवी के टीम के पास जाता है और गाना अगर रिजेक्ट कर देती है एमटीवी की टीम, तो आर्टिस्ट वो गाना खुद से रिलीज कर सकता है। बट मुझे नहीं लगता है कि ये चीजें फॉलो की जा रही है। अगर ऐसा होता तो एमटीवी हसल सीजन 3 के मल्टीपल रैपर्स के साइड से हमें ट्रैक्स देखने को मिलते जो अभी तक नहीं हुआ है। इसके साथ साथ यहाँ पे ये भी मेंशन है कि अगर वो गाना सेलेक्ट हो जाता है तो एक गाने के लिए आर्टिस्ट को 3 लाख रुपए पे किए जाएंगे, जो मेरे हिसाब से थोड़े कम है। इसके साथ साथ अगर हम म्यूजिक रॉयल्टी की बात करें जो कि आर्टिस्ट रिलीज करेगा, ये भी बहुत ही ज्यादा मेस्ड अप है। अगर मैं ब्रीफली समझाऊं तो मोस्टली अप्रॉक्स 80% से ज्यादा रॉयल्टी एमटीवी हसल की टीम रखेगी और बहुत ही छोटा रॉयल्टी जो है वो आर्टिस्ट को मिलेगा। एंड चेक दिस, इफ यू कॉज एनी डैमेज 50 लाख INR पर डैमेज इज द फी और योर बाई आउट फ्रॉम टी सीरीज इफ अनदर लेबल कम्स टू सेव और साइन यू। मतलब अगर तुम कोई डैमेज कॉज करते हो या फिर इनकी क्लाउज को ब्रेक करते हो तो तुम्हें इतने पैसे पे करने पड़ेंगे। अब तुम्हें समझ आ रहा हो कि क्यों एमटीवी हसल के जो आर्टिस्ट है वो शांत बैठे हैं, उनके साइड से हमें कुछ सुनने को नहीं मिल रहा है। इसके साथ साथ ये भी मेंशनड है, इफ दे फेल टू रिलीज योर म्यूजिक दे विल पे यू 1000 INR ओनली। एवरी रिलीज हैज ए अप्रूवल एंड सबमिशन पीरियड ऑफ 75 days पर सॉन्ग। द टोटल बजट विल नॉट बी प्रोवाइडेड टू यू, नो रिपोर्ट्स, द राइट्स आर देयर फॉर लाइफ टाइम, नो मंथली सैलरी, दे विल एक्सटेंड इट फर्दर
and can ask anybody to record song that you wrote. They has their own witness if you sign it or a contestant sign a NDA. मतलब कि artist ये किसी के साथ share नहीं कर सकते. और जितने भी contestant हमें last season देखने को मिले थे, उन सभी लोगों ने इस contract को sign किया था and now they are in a trap. So, जब MTV Hustle Season 3 स्टार्ट होने वाला था तो हमारे पास और भी मल्टीपल रैपर्स के नाम आए थे जो MTV Hustle Season 3 का पार्ट होने वाले थे. फॉर एग्जाम्पल यंगस्टा का नाम आया था, हर्जस का नाम आया था, बट मल्टीपल रैपर्स ने बैकआउट कर दिया. और मुझे लगता है कि जो मेन रीजन था बैकआउट करने का वो था ये कॉन्ट्रैक्ट. अच्छा हुआ भाई उन्होंने बैकआउट कर दिया भाई. भाई इसलिए एवरीवन हेट्स टी सीरीज, फकिंग हेट टी सीरीज भाई. नॉट अ सिंगल यूट्यूबर लव्स टी सीरीज भाई. एक भी यूट्यूबर टी सीरीज को पसंद नहीं करता भाई. ये सिर्फ पैसा बनाने की मशीन है टी सीरीज. इसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता किसी भी चीज से, किसी यूट्यूबर से. अगर इसके खिलाफ कोई भी जाएगा इसको बाय करना चाहेंगे. अरे साला इनको कभी सपोर्ट करना मत यार. जितना वो सब इनको सब्सक्राइब कराता ना प्यूडीफाई, इन सबके बीच में भाई अनसब्सक्राइब कर दो भाई. सब्सक्राइब प्यूडीफाई, उससे अच्छा तो प्यूडीफाई को सब्सक्राइब करो भाई. बहुत अच्छा, उससे हद अच्छा भाई. प्यूडीफाई पता क्या कहता है, कॉपीराइट जो रहता ना अपना, कॉपीराइट वाली चीज है ना जो यूट्यूब पे है, वो चीज हटाओ. यूट्यूब से ही लड़ रहा है वो. और इधर देखो भाई, इधर टी सीरीज के कोई से गाने पे रिएक्ट कर दो, ये ला फट से पूरी वीडियो ही उड़ जाती. साला दिमाग खराब मेरा, बहुत दिमाग खराब होता मेरा ये सब चीजों से. फकिंग हेट दिस शिट मैन. सो अब क्या रैपर्स को या फिर अंडरग्राउंड आर्टिस्ट को एमटीवी हसल में नहीं जाना चाहिए? अगेन इट्स देयर कॉल. अगर वो जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं, बट ये दिमाग में रखना होगा कि MTV हसल करेंटली अब वो MTV हसल नहीं रहा जो हम लोगों ने सीजन 1 में देखा था. राइट नाउ इट्स ऑल अबाउट मनी. बड़ी म्यूजिक लेबल जैसे कि टी सीरीज के इन्वॉल्वमेंट के बाद दे आर ओनली ट्राइंग टू मेक मनी आउट ऑफ आर्टिस्ट. और उन्हें फर्क भी नहीं पड़ता कि आर्टिस्ट का करियर डेड हो, रिवाइव हो, बस उन्हें पैसे बनाने हैं, जो एग्जैक्टली हमें नजर आ रहा है कि हो रहा है हमारे सामने. अगर हम बात करें MTV हसल सीजन 1 की, तो मुझे नहीं लगता है कि सीजन 1 में कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट था, क्योंकि किंग के साइड से हमें सीजन खत्म होने के तुरंत बाद ही एल्बम देखने को मिला था. बाकी दूसरे कंटेस्टेंट भी अपने ट्रैक्स ड्रॉप कर रहे थे. मे बी उस टाइम भी रॉयलिटीज के इशू रहे होंगे, बट इतना ज्यादा तो नहीं हुआ था. और मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि सीजन 2 बहुत बड़ा हिट हुआ था, जिसकी वजह से मेकर्स के पास और ज्यादा लालच आ गया और अब वो और पैसे बनाने में इन्वॉल्व हो गए हैं और आर्टिस्ट के बेटर फ्यूचर के बारे में सोच ही नहीं रहे. बस आर्टिस्ट को उन्हें सक करना है, आर्टिस्ट को यूज करना है, उनसे पैसे बनाने, उनसे पैसे निकालने हैं. और इस वजह से ही एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है जो मेरे हिसाब से बिल्कुल एक ट्रैप है. वरना तुम खुद सोच के देखो कि भाई एमटीवी हसल के ठीक बाद आर्टिस्ट की कितनी ज्यादा हाइप होती है. आर्टिस्ट जैसे कि केडन भाई, जिसके गाने मतलब हर जगह चल रहे थे, उस बंदे ने 4 महीने से कोई गाना ड्रॉप नहीं किया है. सो कोई भी आर्टिस्ट या फिर अंडरग्राउंड आर्टिस्ट नेक्स्ट सीजन में एमटीवी हसल जाना चाहता है, मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि क्लॉज को अच्छे से पढ़ लेना, कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना और खुद डिसाइड करना कि अगर मैं इंडिपेंडेंटली ग्रो करता हूं बिना एमटीवी हसल में जाए हुए, तो वो मेरे लिए ज्यादा बेटर रहेगा या फिर एमटीवी हसल में जाना मेरे लिए ज्यादा बेटर रहेगा. लास्ट में कॉल तुम्हारा ही होने वाला है. नहीं तो सेम सिचुएशन तुम लोगों के साथ, अपकमिंग आर्टिस्ट के साथ भी हो सकता है कि जब एमटीवी हसल एयर हो रहा हो, 1 महीने के लिए तुम्हें पूरा फेम मिल रहा हो, तुम हर जगह छाए हुए हो, बट उसके बाद ऐसा ही सेम सिचुएशन तुम्हारे साथ भी हो रहा हो. सो शेयर दिस वीडियो, स्प्रेड दिस मैसेज. और जितने भी अंडरग्राउंड आर्टिस्ट है, जितने भी नए आर्टिस्ट है, उनको इसके बारे में पता डेफिनेटली होना चाहिए. ओके सो दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो. भाई बहुत बढ़िया वीडियो थी भाई, बहुत बढ़िया वीडियो थी. पूरी 12 बजा दी असल वालों की भाई. भाई पता है असल की गलती नहीं है ये, इसमें जो टी सीरीज है ना उसकी गलती है भाई. फकिंग हेट टी सीरीज भाई. आई डोंट लाइक टी सीरीज एट ऑल भाई. नॉट अ सिंगल यूट्यूबर लाइक करता होगा भाई. एक सिंगल यूट्यूबर भी नहीं लाइक करता होगा टी सीरीज को भाई, कितना भी बड़ा होगा भाई. अरे इवन हनी सिंह ने छोड़ दिया टी सीरीज, 12 की ढेर टी सीरीज की भाई. हनी सिंह ने छोड़ दिया, ले बेटे ले मुद्दिया. पता नहीं कुछ ऐसे ही फंसा रहे होंगे टी सीरीज वाले हनी पाजी को भी. ले मुद्दिया तेरे, तुमको लगा कि हनी सिंह कुछ कर ही नहीं पाएगा उसके बिना. ले मुद्दिया तेरे कॉन्ट्रैक्ट पे साले. टी सीरीज बेकार है भाई, टी सीरीज बेकार है. वो कुछ ट्रैप ही करना चाहते होंगे हनी सिंह को भी, उनको लगा बेवकूफ हनी सिंह. अरे 12 बजा दी ले, मैं पूरा उठाया टी सीरीज को हनी सिंह ने भाई. इनिशियल बूस्ट उसने दिया भाई, मतलब जब इंटरनेट पे आया टी सीरीज, जब इंटरनेट पे आया तब टी सीरीज को बूस्ट ही उसने करा भाई हनी सिंह ने. पूरा 6-7 साल टी सीरीज को
चलाया सिर्फ हनी सिंह ने भाई। इतने सारे गाने दिए, इतने टॉप टॉप गाने दिए भाई, गुरु रंधावा, हनी सिंह, मिलिंगावा, ये तीन चार आर्टिस्ट है जिन्होंने पूरा टी सीरीज बनाया है, उन्हीं को फंसा रहे होंगे सालों। चलो भाई आज की लाइव वीडियो के लिए इतना ही था भाई। कैसे लगे तुमको वीडियो कमेंट में जरूर बताना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मेरे चैनल को ऐसे वीडियो अपन लेके आते रहते हैं, ऐसे ही म्यूजिक से रिलेटेड अपन चीजें बनाते रहते हैं, हिप हॉप से रिलेटेड अपन चीजें बनाते रहते हैं। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कर देना। बावे अगर तुमको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करोगे, नहीं लगी तो बेल आइकन पर क्लिक करो। नेक्स्ट वीडियो लेट कर, बाय बाय बाय।